हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कैपेसिटर्स में, देखिए मैं आपको बता रहा था पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि पूरा हो चुका है देखिए हमारा। अभी लास्ट टाइम में देखिए कुछ मेरे पास जो डाउट्स आए हैं, एक तो एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 32 जो है देखिए वो डाउट आया है एक बच्चे का एनसीईआरटी बुक से। अब ये डाउट क्लियर करने के लिए देखिए हमारे पास, मैंने जैसा कि आपको इनिशियल स्टेज में जब मैंने कैपेसिटर शुरुआत की थी देखिए, तो उस शुरुआती समय में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर बेसिकली जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कैपेसिटर हमारे पास तीन टाइप के कौन से थे, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था देखिए, दूसरा हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर था और तीसरा हमारे पास था स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमारे पास तीन टाइप के कैपेसिटर जरूर होते हैं, बट हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में जो है वो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जबकि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो हमारे पास सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी देखिए कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी बुक में ही हमें एक न्यूमेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है देखिए न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बट हाँ थ्योरी पार्ट जो है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं आपको आज जो है देखिए ये जो लेक्चर है लास्ट लेक्चर, ये हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों ही मैं आपको बता दूंगा, इनके रिजल्ट्स आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि बाय चांस कोई एक आध न्यूमेरिकल अगर आपको मिले कहीं पे तो आपसे सॉल्व हो जाए, और लास्ट में हम देखिए ये वाला न्यूमेरिकल जो है आपका जो डाउट है वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए इनके डेरिवेशन बताता हूँ कि सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। आइए वन बाय वन देखिए हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा था देखिए, वैसे ही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बनेगा। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाने का तरीका वही रहेगा जैसा कि हमने आपको याद हो इनिशियली क्या बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है। जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है एक नेगेटिव प्लेट होती है, और एक सेल या बैटरी लगा दिया जाता है, वो एक क्या करता है एक प्लेट से चार्ज को खींच के दूसरे में देता है, तो बेसिकली चार्ज का ट्रांसफर करवाता है सेल या बैटरी फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए क्या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर्स होते हैं, इस तरीके से देखिए एक ये रहा और एक और सिलेंडर होता है कोएक्सियल सिलेंडर्स बोलते हैं, जिनकी एक्सिस सेम होती है देखिए इस तरीके से, ये डायग्राम आप समझ सकते हैं ये कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं जिनकी एक्सिस सेम है, ये देखिए एक्सिस जो है वो दोनों की कैसी है सेम है, इस तरीके से आपको ध्यान रख सकते हैं कि एक्सिस इनकी सेम है बट रेडियस वो जो है वो अलग अलग है। छोटे वाला जो हमारे पास सिलेंडर है इसकी रेडियस मैं मान लीजिए ए मान रहा हूं, और बड़े वाला जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है वो मैं मान रहा हूं स्मॉल बी, क्लियर है। और जैसे कि आपको याद होगा जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया था तो एक प्लेट को ग्राउंड कर दिया था एक साइड से, तो वैसे देखिए हम यहां ये जो बाहर वाला जो हमारे पास सिलेंडर है उसको हमने ग्राउंड कर दिया और अंदर वाले को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो प्लस क्यू चार्ज दिया कंडक्टर है देखिए, तो सारा का सारा चार्ज जो है इसकी सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। कैसे स्प्रेड होता है, कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि सिलेंडर एक सिमेट्रिक बॉडी है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा देखिए इस तरीके से। जो बड़े वाला डी रेडियस वाला जो सिलेंडर है उसके इनर वॉल के ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, और वो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा वो भी आपको पता है जैसा कि माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज जो है वो स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोला जाता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास कंडक्टर होते हैं और उनके ऊपर जो है हम चार्ज को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेट से जो लेंथ है सिलेंडर की दोनों की सेम है वो हम कितनी ले लेते हैं एल, क्लियर है। तो हमें अब इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो तरीका क्या होगा, तरीका वही होगा जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपनाया था देखिए, रिजल्ट वही यूज करना है C = Q / V।
सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, चार्ज हमें पता है कैपिटल क्यू है, वी निकालना होगा, वी किस किस के बीच में निकालना होगा, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर, मान लीजिए इनर सिलेंडर जो है उसका पोटेंशियल वी वन है और आउटर जो हमारे पास है उसका वी टू है, तो बेसिकली हमें वी निकालना होगा, वी क्या है वी वन माइनस वी टू निकालना होगा, क्यों, क्योंकि सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू की वैल्यू तो कैपिटल क्यू है देखिए, बट वी वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या वी वन माइनस वी टू निकालना होगा हमें, ताकि हम क्या निकाल पाए इस सिस्टम की कैपेसिटी निकाल पाए। आइए वन बाय वन स्टेप करते हैं देखिए, तो सबसे पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, जैसा कि हमें पता है रिलेशन, क्या रिलेशन बिटवीन वी एंड ई क्या हुआ करता था, याद कीजिए, तो हमारे पास रिलेशन हुआ करता था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी एक्स। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हम ये रिलेशन डिराइव भी कर चुके हैं, पता है आप लोगों को, देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस रिजल्ट का यूज यहां कैसे करेंगे, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो एक्सिस है इससे किसी भी एक्स डिस्टेंस के ऊपर, ये मान लीजिए पी पॉइंट कहीं पे भी, इन दोनों सिलेंडर की जो रेडियस है ए और बी उसके बीच में है, बीच में मतलब ठीक मिड में नहीं बोल रहा हूं कि ए प्लस बी बाई टू पे है, कहीं पे भी है, और वो मैंने इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस ले ली, एक्स डिस्टेंस ले ली है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपको पता है, देखिए ये वाली बात इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है। देखिए बाहर वाले सिलेंडर की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर वाला जो सिलेंडर है वो कंडक्टर है और सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। अब बात आती है अंदर वाला सिलेंडर जो है, तो अंदर वाला सिलेंडर जो है उसको हम एक वायर के जैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि एक वायर होता है उससे x डिस्टेंस पे p पॉइंट है, तो यहाँ पे चार्ज प्लस q स्प्रेड किया गया है ऑल ओवर द लेंथ, तो याद करो हम यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं, दैट इज q बाय l, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या आया था आपको याद होगा, 2k लैम्डा बाय r आया था, मतलब x आया था, देखिए ये रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। तो अंदर वाला जो हमारे पास सिलेंडर है उसको एज ए वायर कंसीडर करके हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, बट बाहर वाले सिलेंडर की वजह से जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, बट अंदर वाला सिलेंडर जो है उसकी ये पी पॉइंट बाहर आ गया है, तो सिलेंडर जो है उसको एज ए वायर ट्रीट करेंगे हम, और इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है, ये रिजल्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाला हुआ था। स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे देखिए इस P पॉइंट के ऊपर, ये यहां से P पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्लियर। अब इस P पॉइंट से मान लीजिए किसी चार्ज को हल्का सा लेके चलते हैं dx आगे, किसी भी क्यूनोट चार्ज को लेके चलते हैं, तो वर्क डन जो है, या फिर देखिए सिंपल सी बात, इधर आ जाते हैं v फाइनल जो कि हमने v2 माना हुआ है, इनिशियल v इनिशियल मतलब जहां से लेके आ रहे हैं उसका v1 माना हुआ है हमने माइनस, ओके कहां से इस एक्सिस से कहां से शुरुआत होगा, देखिए ये प्लस चार्ज इसकी सरफेस से स्टार्ट हो रहा है अंदर वाली जो सिलेंडर है उसकी, तो कहां से हम लिमिट स्टार्ट कहां से करेंगे, पोटेंशियल देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक पहुंचना है हमें, बी तक पहुंचना है, इन दोनों सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बीच का निकालने का मतलब ए रेडियस से शुरू होगा और बी तक पहुंचेंगे, तो बीच का पूरा सिलेंडर जो है देखिए उनका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो ए से शुरुआत करेंगे और बी तक जाएंगे, ओके डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ई डी एक्स कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्योंकि देखिए प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो थीटा कितना हुआ, जीरो डिग्री हुआ, तो कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी हमारे पास, वन हो जाएगी, तो वी टू माइनस वी वन, हमें तो वी वन माइनस वी टू चाहिए, तो वी इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी ई डी एक्स, तो ये लिखा देखिए हमने e की वैल्यू ये रही देखिए हमारे पास किसी भी x पे, तो v is equal to a b 2k lambda by x into dx, ये बहुत ही आसान है देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट की टर्म जो है उनको बाहर निकाल लीजिए, 2k lambda को बाहर निकाल लिया गया, a to b 1 upon x dx, आपको याद होगा 1 upon x का इंटीग्रेशन log में होता है ln x और log x लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2k lambda ln x और लिमिट्स a b,
लिमिट कैसे रखते हैं आपको याद होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2k लैम्डा ln b माइनस ln a होगा। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है, देखिए हमारे पास लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n होता है, इसलिए b इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2k लैम्डा ln b बाई a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। देखिए अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, हमें तो क्या निकालनी थी, कैपेसिटी निकालनी थी। देखिए हमें तो क्या निकालनी थी, कैपेसिटी। तो आइए कैपेसिटी निकालते हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप ये सब लिख सकते हैं। आइए किस तरीके से निकालेंगे, तो जैसा कि अपने को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो V की ये वैल्यू यहां पुट करें तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, V इज 2k लैम्डा ln b बाय a, ये हो जाएगा। देखिए लेकिन इसको थोड़ा और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, आइए कैसे, देखिए C इज इक्वल टू क्यू 2 इंटू के की वैल्यू आपको याद होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके लैम्डा अभी भी मैंने आपको बताया क्या था, q बाय l ln b बाय a ये लिखा गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल हुआ, तो ऊपर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l, ये पूरा ऊपर चला गया। और नीचे देखिए ln b बाय a, देखिए आपको मैं बता दूं ln भी नेचुरल लॉग होता है, इसको हम टेबल से नहीं देख पाएंगे अगर किसी भी वैल्यू की जरूरत पड़ी तो, इसलिए इसकी बेस को 10 बनाना होगा और 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं आपको अच्छे से पता होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग बेस 10 हो जाएगा b बाय a। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इसका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने का। इस फॉर्मूले में मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो कि आपको याद रखनी है, b यहां क्या है, b क्या था आपने डायग्राम में देखा, b बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस है और a छोटे वाले जो सिलेंडर था उसका रेडियस है, मतलब कि बड़ी रेडियस ऊपर और छोटी रेडियस नीचे, इस तरीके से याद रखिएगा बी और ए की तरीके से याद नहीं रखना है। कैसे याद रखेंगे, लॉग के अंदर जो है ऊपर क्या आएगी बड़ी रेडियस और नीचे क्या आएगी छोटी रेडियस, जैसा कि ये न्यूमेरिकल जो है ये अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा बहुत आसानी से। देखिए 2 पाई पाई 3.14 ओके एप्सिलॉन 8.85 × 10−12 एल लेंथ दिया हुआ है, देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, ये रहा 15 सेंटीमीटर, मीटर में जरूर कन्वर्ट करें। और 2.303 log 10 b by a, b बड़ी रेडियस कौन सी है, बड़ी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, फिर से वही सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लें। और नीचे कौन सी आ जाएगी छोटी रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज यहां रखें और सॉल्व करें तो बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा जो चाहिए। और एक बार c आ गया तो फिर दूसरा इसने क्या पूछा, डिटरमाइन कैपेसिटेंस, ये तो निकल गया। एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाय c, तो चार्ज अगले ने दिया हुआ है ये रहा q और v q सॉरी क्या था, क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v इक्वल टू q बाय c, तो q दिया हुआ है और c आपने अभी ऊपर से निकाल लिया है, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, पुट कीजिए और आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत देखिए डाटा रख के दिखा दूंगा लास्ट में। तो ये हमारे पास पूरा डेरिवेशन रहेगा किसके लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। आइए अब बात करते हैं कौन सा, स्फेरिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको याद होगा जब मैंने कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एक सेकंड लेक्चर, बहुत छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया था कि फैरेड जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट है तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने अर्थ साइज, देखिए अर्थ को यानी कि अर्थ जितना बड़ा अगर कोई कैपेसिटर ले लो तो उसकी कैपेसिटी निकाल के दिखाई थी, तो मैंने वहां पे अर्थ को एज ए स्फेरिकल शेप बॉडी जो है कंसीडर किया था, आपको याद होगा वहां पे हमने सी कैपेसिटी निकाली थी, तो एक स्फेरिकल कंडक्टर की ही हमने कैपेसिटी वहां पे निकाली थी, कोई बात नहीं। आइए मैं आपको एक बार पूरा जो बुक किस देखी हमारे पास रहता है डेरिवेशन वो करवा के बताता हूं। यहां पे स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर फिर से वही चीजें, देखिए काम वही करना है, इसमें दो स्फीयर्स होंगे जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इनको बोलते हैं हम, अंदर वाले का रेडियस मान लीजिए मैं a ले लेता हूं और बाहर वाले का रेडियस जो है वो क्या मान लेते हैं b,
बाहर वाले को फिर वही हमने देखिए ग्राउंड कर देना है, अंदर वाले को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, आपको पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इनर साइड पे क्या आ जाएगा बाहर वाले के माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ये भी आपको अच्छे से पता लग गया है। क्लियर? तो ये फिर से देखिए वही मेथड है, कुछ ज्यादा अलग नया नहीं करना है, वही निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अंदर वाले पे जो पोटेंशियल है वो लिख लेंगे वी वन मान लेता हूँ, और बाहर वाले पे जो पोटेंशियल है वो लिख लेंगे। बट एक बात बताइए, इसमें तो मुझे वो पिछले वाले से तो भी ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि स्फेरिकल शेप की बॉडीज या कंडक्टर के साथ हमने काफी न्यूमेरिकल्स किए थे, आपको याद होगा हमने क्लास में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स किए थे इनके ऊपर। तो आपसे अगर पूछे एक बार सारे काम के हम भूल जाओ और आपसे सिर्फ यही पूछू मैं कि बाहर ये कोई पॉइंट है, समझना मैं निकाला हुआ है पहले, फिर से समझे यहां ये कोई पॉइंट है हमारे पास। अब मैं कह रहा हूं ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने से क्या चीज जीरो हो जाती है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है ना। हाँ सर, तो मतलब वी टू जीरो हो गया ना। हाँ ना, अरे है कि नहीं ये तो बताया हुआ है। हाँ सर बताया हुआ, हमें तो याद है। अरे याद है कि नहीं, भूल जाते हैं भाई। अरे याद रखा करो कुछ तो। वी टू जीरो, ग्राउंड का मतलब क्या, क्या चीज चार्ज जीरो कर देता है कंडक्टर पे कि पोटेंशियल जीरो कर देता है, पोटेंशियल जीरो कर देता है ना भाई। हाँ सर, तो आए ना ये। हाँ सर बिल्कुल आगे। अच्छा V1 कैसे निकालोगे, V1 मतलब किसके ऊपर पोटेंशियल है, अंदर वाले स्फीयर के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो किस किस वजह से होगा, याद करो अभी बताया हुआ है मैंने। अच्छा खुद की वजह से, V1 कैसे निकालोगे, खुद की वजह से कितना स्फीयर की वजह से, के क्यू बाय आर होता है ना, तो के क्यू बाय आर, आर कितना है एक, के क्यू बाय आर कितना है, के क्यू बाय एक, ठीक। और बाहर वाले माइनस की वजह से कितना होगा, माइनस के क्यू बाय जो इसकी सरफेस पे कितना बी, ये रहा, यही होगा ना भाई। हाँ सर वही होगा भाई, यहाँ पे इसकी वजह से कितना होता, माइनस के क्यू बाय बी होता, तो अंदर तो वही होगा जो सरफेस पे होगा कंडक्टर के, ये पहले किया हुआ है। आप लोग अपने पीछे वाले लेक्चर्स को जरा नंडोले देखें, कहीं ना कहीं मिलेगा ऐसा किया हुआ है हमने। तो वी वन ये हुआ, वी टू जीरो हुआ, तो V is equal to potential difference V1 minus V2, तो भैया V1 minus V2 तो यही आएगा, KQ common निकाल लेते हैं, 1 by A minus 1 by B, तो ये V आ गया, इसके बाद तो सब खत्म हो गया भैया। C is equal to Q by V होता है, तो C is equal to Q by V, V क्या है KQ। अच्छा इसको थोड़ा LCM LCM ले लेते हैं, थोड़ा आसान दिखे, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, Q से Q cancel out हो जाएगा, C ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये रहा हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है, हो जाएगा ये, देखिए बहुत ही आसान है। इसमें भी आ गई थी बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस करनी है, कोई भी मेटल बेसिकली मिल जाए तो कर सकते हैं। ये कहां से निकाला सर, ये मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग देखें, नहीं आए तो मुझे पूछे, मैं आपको फिर आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा। क्लियर है, आइए मैं आपको देखिए ये जो आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 32, इसमें वैल्यूज पुट करके लिखा देता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है हमारे लिए, आसानी से निकल जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 32 का। देखिए ओके, क्या रिजल्ट आया था अभी हमारे पास, सी टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल 2.303 लॉग बेस 10 बी वाई ये था क्या, बड़े वाला अपॉन छोटे वाला ऐसे याद रखेंगे ना, ठीक। चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2.2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एल, एल कितना 15 सेंटीमीटर, देखिए फिर से सुने ध्यान से, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 0.15 मीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मीटर में ऐसा यूनिट में ही रखें, 2.303 log base 10 b by a b by a b by a बड़े वाले 1.5 है सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लें, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय इससे छोटे वाला 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये है। देखिए बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं, समझदार है, सब कुछ आता है आपको, होशियार है आप लोग तो, है ना, इंटेलिजेंट है आप, कर ही लेंगे। लॉग की वैल्यू आप लोग केबल से देख सकते हैं या कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान आता है ना भाई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आता है।
हाँ सर आता है बिल्कुल। चलिए तो आप लोग ये पूरा कर लेंगे आज, फिर भी अगर और कोई डाउट आपको रह जाता है एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लीजिए, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे देखिए आगे इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है तो खत्म कीजिए, हम थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे, देखिए क्लियर है। ओके थैंक यू।